जितना ममत्व कम होगा उतना ही संघर्ष कम होगा, जितना ममत्व अधिक होगा उतना संघर्ष अधिक होगा। एक बहुत सुंदर पथ दर्शन है कि जे ममाइय मतिम जहाई से जहाई ममाइयम। ममत्व को कौन छोड़ सकता है? बतलाया गया कि ममत्व की मति को छोड़ देता है, ममत्व की मति या चेतना को छोड़ता है वह ममत्व को छोड़ सकता है। जब तक व्यक्ति ममत्व की मति को नहीं छोड़ता, सारा मनन चिंतन ममत्व पर केंद्रित है, मेरेपन को पुष्ट करने के लिए सारी ममत्व मनीषा मति चेतना भावना जुड़ी हुई है, फिर ममत्व को छोड़ा नहीं जा सकता। एक सुंदर पद दर्शन है कि पहले उस मति को बदलो, चेतना को बदलो। जब तक वह चेतना नहीं बदलेगी तब तक नहीं होगा। चेतना को कौन बदल सकता है? जो तीर्थंकर की आज्ञा पर विश्वास करता है। जिसका तीर्थंकर की आज्ञा पर विश्वास नहीं है वह ममत्व की चेतना को बदल नहीं सकता। क्या वर्तमान की स्थिति में सहिष्णुता की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? अगर तीर्थंकर की आज्ञा पर विश्वास है, आचार्य भिक्षु की मर्यादा पर हमारी श्रद्धा है, तो हम निश्चित माने कि सहन करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है।